जे मैं कहूँगा राइटिंग टास्क टू लिखना बहुत ईजी है या राइटिंग मॉड्यूल चो बैंड लेने बहुत ईजी है, अद्धे बच्चे पता की कहेंगे ओ जाओ सर तुहानूं की पता एवें तुसीं कही जांदे जे राइटिंग टास्क टू दे विच किवें बैंड आ जाणगे अपने, पता आइडियाज बनाने किन्ने औखे है, पता वोकैबलरी याद करनी किन्नी औखी है। अद्धे न्याणे ते इसे सोच ने काम खराब कर दिता उन्हां दा। सो जेकर तुसीं भी इसे सोच दे मालक जे ये वीडियो तुहाडे वास्ते आ, टास्क टू या राइटिंग मॉड्यूल तुहाडे लई बहुत ईजी हो जूगा। सो इस वीडियो नूं शुरू तो लैके एंड तक जरूर वेखियो ते मेरे चैनल आइल्स जर्नी 46 नूं जरूर सबसक्राइब करियो, क्योंकि इस चैनल दे उत्ते मैं सोमवार बुधवार ते शुक्रवार शामी 4 बजे वीडियो अपलोड करदा हां ते डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल ते हुंदी है, ठीक है। जिस तरह तुसीं डिमांड करदे जी उस तरीके नाल वीडियो आउंदी है, क्योंकि मैं तुहाडे लई चैनल बनाया। सो इस चैनल तो बहुत बच्चों ने हैल्प लैके अपने बैंड स्कोर घर बैठ के लिया, तो मैं आए दिन यूट्यूब शॉर्ट के दसदा रहना है। सो इस करके चैनल जरूर सबसक्राइब करियो तो इस वीडियो में शुरू तो लैके एंड तक जरूर वेखियो, जेकर तुहानू राइटिंग टास्क तो लिखन च प्रॉब्लम आती है तुहाडे डाउट्स जो सारे क्लीयर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लैट स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाइट बोर्ड से तुम वेख सकते जी अपने को एक स्टेटमेंट है, पर मैं एक पहला गल करना चाहूंगा कि बच्चे गलती की करते हैं टास्क टू जिदे करके उन्हों का बैंड स्कोर नहीं आता। वेखो एक स्टेटमेंट दिती है, मैं बाद चो तुम समझाऊंगा भी आइडियाज भी दसूंगा। बच्चे ने की करना है स्टेटमेंट एक बार पढ़ना है, जो पहली बारी अंडरस्टैंडिंग होगी उन्होंने उस हिसाब से मान लो एक का पॉइंट भी उन्हें दिमाग च आ गया ना, एक आइडिया भी आ गया, उन्होंने लिखना शुरू कर देना है। तो फिर की करते मान लो इंट्रोडक्शन लिख ली, बॉडी पैराग्राफ 1 लिख लिया, फिर बॉडी पैराग्राफ 2 तो जाके अपनी आप स्टक हो जाने, आप समझ नहीं आती आप करिए, क्योंकि सानू ना असी आइडिया अपना बनाया नहीं हुंदा ना आप पहले उन्होंने प्लैन किया हुंदा ऐसे नू। सो प्लैन करना बहुत जरूरी है, जेकर तुसी अपना ऐसे प्लैन नहीं करोगे दैन डेफिनेटली तुहाडा बैंड स्कोर नहीं आऊगा, क्योंकि तुहाडा आउट ऑफ टॉपिक चल जाना ऐसे। सो इस करके ऐसे नू जरूर प्लैन करया करो, ऐसे दे लई जे तुहानू 40 मिनट मिलते हैं दैन उहदे च कोशिश करया करो जिहड़े 5 मिनट हुंदे अपनी प्लैनिंग वास्ते रखो। उहदे लई करना की है, स्टैप नंबर फर्स्ट, हमेशा अपनी स्टेटमेंट नू 3 वारी पढ़ो, थ्राइस अ टाइम, ते अपनी स्टेटमेंट जिहड़ी आ उहनू एनालिसिस करो कि ऐसे टाइप किहड़ी आ। जिवें कि अपने कोल इत्थे स्टेटमेंट आ, नाउ डेज मेजोरिटी ऑफ पीपल आर यूजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स विच आर नॉट बेनीफिशियल फॉर दैम, वट आर द रीजनस बिहाइंड इट एंड सुजैस सम सोल्यूशन। हुण मैनूं आ दो लास्ट लाइना पढ़ के पता लगन दिया कि मेरा ऐसे जिहड़ा वा ओ आ प्रॉब्लम सोल्यूशन, ठीक है। राइटिंग दे ना जायो, राइटिंग वाकई मेरी बड़ी गंदी है यार, किवें सुधारा मैं, ठीक है। प्रॉब्लम सोल्यूशन अपना ऐसे है। सो स्टेटमेंट नूं दोबारा पढ़दे हां, नाउ डेज मेजोरिटी ऑफ पीपल आर यूजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स विच आर नॉट बेनीफिशियल फॉर दैम। कहिंदे कि अज की डेट में बहुत सारे लोग जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो यूज करते पे आ जेडे कि उन्होंने बेनीफिशियल नहीं है, मतलब फायदेमंद नहीं है, बट वो फिर भी उन्हें यूज करते पे आ। कहिंदा भी इहदे पिछे कारण की आ, हुण बॉडी पैराग्राफ 1 दे विच आउणगे मेरे कारण, तो मैं सोल्यूशन देना कि इहनूं इहदा सोल्यूशन दसो कि इन्हों आपां किवें स्टॉप कर सकते हैं, बंद किवें कर सकते हैं, ठीक है, कि लोग इहनूं यूज ना करन। हुण मेरे कोल की आ प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे आ, बीपी 1 दे विच मैं दसने आ रीजनस, ते इह च मैं दसने आ सोल्यूशनस, ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया। हुण मैं अपने आइडियाज बनाउणे आ, आइडियाज उतना ते मेरे कोल 5 मिंट है, काले ना पिया करो, लिखना शुरू ना करो, पहला प्लैन करो। ऐसे एक बारी प्लैन हो गया ऐसे तो ही 20 मिनट दे विच भी लिख लोगे, जिन्नी का आप प्रैक्टिस कर लेने लिखन दी, ठीक है। सो आइडिया नंबर 1 की होगा, मान लो स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करते जे उहदे रीजन की आ, मतलब क्यों यूज करते जे, अपने आप से लै जाया करो, तुहाडे आइडियाज अपने आप बन गए। मान लो मैं स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करता, तुसीं करदे हो, तुसीं क्यों करदे यूज, ठीक है, आइडिया हुण अपने आप आऊगा कि क्यों करदे जे। मान लो पहला कारण की आ, तुसीं यंग लगन वास्ते स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करदे जे, करदे कि नहीं करदे। सो फिर अपना आइडिया नंबर फर्स्ट की बनूगा, की बनूगा, वैसे चलो आप रैंडम लिख लैने आ, बिकॉज People want to look young, ठीक है, क्योंकि लोग यंग लगना चाहते हैं, इस करके ये प्रोडक्ट का यूज करते हैं, मेरे तो रीजन पूछे उन्हें। चलो एक रीजन होर सोच लें, होर क्यों यूज करते, तुम क्यों यूज करते जे, मान लो सैकेंड आ करके यूज करते हैं क्योंकि इन्हों की एडवरटीजमेंट बहुत ज़्यादा होंगी है, ठीक है, तो जी चीज़ वेखती है वह वेखती है,
एडवर्टीजमेंट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। मैं बोल के दस देना राइटिंग ना जायो, मैं जस्ट समझाने वास्ते तुहानू दस्सिया। दो पॉइंट बन गए हुण, मेरे को दो पॉइंट है गया हुण सोल्यूशन वाले बन्ने चलते हैं। एक तो पक्का लिख लो कि सोल्यूशन दे विच पक्की चीज आ जानी है अवेयरनैस, क्रिएटिंग अवेयरनैस लिख लो भावें, ठीक है, क्रिएटिंग अवेयरनैस अमंग पीपल। ये कौन कर सकता है? गवर्नमेंट कर सकती है। सैकेंड मान लो और की रीजन मैं दे सकता है, होर नूं किवें बंद किया जा सकता है। हुण एक सोल्यूशन मैं तुहानूं देता, मैं चाहुंदा कि सैकेंड सोल्यूशन तुसीं मैनूं कमेंट दे विच दसो। मैं भी ये वेखना कि तुम वीडियो कि तरीके वेखते जो कि इंट्रस्ट विखाते जो वीडियो के स्किप करके वेखोगे फिर कुछ नहीं पता लगना, ठीक है। हुण मान लो मेरे को पांच मिनट हो गए, मेरा ऐसे प्लैन है, मैं डिजाइन कर लिया अपने ऐसे, हुण मैनू पता है कि मैं अपने ऐसे दे विच लिखना की आ। एक बार प्लैन हो गया दैन कित अपनी ब्रेक नहीं लगेगी ऐसे लिखन लग्या, ठीक है। सो मैं इस तरह की वीडियो बना रहना है, सो स्किप करके वीडियो ना वेखो, बड़ी मेहनत लगती वीडियो बनाने लग्या, ठीक है। हम आप गल करते कि इंट्रोडक्शन किवें स्टार्ट करनी आप अपने ऐसे की, ठीक है। सो आप हम मैं तुम्हें दसदा कि इंट्रोडक्शन किवें स्टार्ट करनी है, तो इंट्रोडक्शन लिखनी किस तरह है। जे तो इंट्रोडक्शन इस तरह लिखी है दैन डेफिनेटली सैवन प्लस बैंड स्कोर आने। बट जे अपनी इंट्रोडक्शन स्टार्ट ही इस तरह होती पी है नाउ अडेज इन द प्रेजेंट टाइम या इन द मॉडर्न एरा, दैन सैवन बैंड सोच के ना चलियो, फिर तुम भुलेखे दे विच। हुण वेखो मैं इंट्रोडक्शन किवें लिखी है, तो जेकर तुम इस तरह लिखोगे ये कोई हाई वोकैबलरी वर्ड मैं यूज नहीं किया, बस उन्हें सिंपल रखिया तो थोड़े जे अपने टेंसिस जरा घुमाता। वेखो स्टार्टिंग मैं की लिखा, जिवें तुम स्टेटमेंट रिवाइंड करके वेख सकते हो, तुहाडे स्क्रीन पर मैं दोबारा शो कर देना स्टेटमेंट की सी लिखा। इट इज ऑफन सीन इन द प्रेजेंट टाइम, क्या अक्सर ही देखा जाता अज के टाइम दैट द डिमांड ऑफ द कॉस्मैटिक प्रोडक्ट। हम वेखो उन्हें की लिखा, स्किन केयर प्रोडक्ट मैं की लिखता कॉस्मैटिक प्रोडक्ट इज एट पीक लैवल, मतलब कि ये पीक लैवल से आ जी ये डिमांड आ लोगों द्वारा जी डिमांड की जाती है कॉस्मैटिक प्रोडक्ट्स की, वो पीक लैवल से आ, ठीक है। ये कोई हाई वोकैबलरी तो नहीं हैगी, मतलब की आ कि सेंस सेम रहनी चाहिए आ बट वर्ड चेंज होने चाहिए आ, बट उसकी सेंस खराब नहीं होनी चाहिए। अद्धे बच्चे की करते हैं इस तरह के वोकैबलरी के वर्ड यूज कर लेंगे, गूगल तो कॉपी कर लेंगे, उसकी सेंस सेम नहीं निकलती, दैन अपने बैंड स्कोर कटे जाते हैं। इंट्रोडक्शन एक चीज ध्यान च रखियो, पहला इंप्रैशन जे एग्जामिनर अगे, तो जे पहला इंप्रैशन इंट्रोडक्शन गलत हो गया ना, सारे ऐसे का बेड़ा गर्क होना, डंड लस जानी है। इस करके तुम अपने वर्ड्स को बड़े ध्यान ना सोचना है। उस तो बाद लिखिया पीक लैवल एंड पीपल ऑलरेडी अवेयर अबाउट द, तो लोग पहला ही इस चीज बारे अवेयर आ कि ये नैगेटिव इंपैक्ट जेडे इस प्रोडक्ट के, तो कहते लोगों भी ये नैगेटिव इंपैक्ट जेडे ऑलरेडी पता है, लोग अवेयर है उस चीज़ तो, ठीक है। इतने कई बार पीपल ऑलरेडी नो दैट यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड अवेयर बट स्टिल दे आर यूजिंग इट, बट वो फिर भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। इतों तक होगी मेरी पैराफ्रेजिंग, यही ना मैं उन्होंने डिफरेंट वर्ड के लिखता टेंसिस मैं बनाते स्टार्टिंग सेंटेंस बनाता कि पैसिव च स्टार्ट करता, ठीक है। उस तो बाद आ गई मेरी थीसिस, मैं तुम्हें पहला भी दसा आया, तुम लिख सकते जे देर आर प्लेथोर ऑफ रीजन बिहाइंड दिस डिस्टर्बिंग टेंडेंसी बट हैंडफुल ऑफ पॉसिबल मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू मिटीगेट दिस इशू। ये तो हो गया सिंपल, आप थीसिस लिख दी कि जो प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे आ जाए तो उन्होंने आप इस तरह लिखना है। तुम इस तरह भी लिख दो कि जो बच्चों की छे साढ़े छे तक डिमांड है वो पूरी हो जूगी। उस तो बाद आ जाओ कि इनू आप सैवन बैंड की किमें बना देना है। हूँ एक एग्जामिनर आप अपने इंट्रोडक्शन के रीजन दस देने, जिम्मे इतने आप रीजन दसे ना कि जिमें वो अपने आप को यंग वेखन वास्ते इतने आप लिख सकते, जो मैं तुम्हें पहला आइडिया दिता सी। उस तो बाद दूसरा रीजन भी इतने दस सकते हैं एंड पॉसिबल मेजर्स सच एज ला के ये अगले बन्ने सोल्यूशन लिख दो इतने जेडे मैं तुम्हें उत्तर दसे से एक तुम होमवर्क दिता। जे तो अपना रीजन नंबर वन भी इतने मैनशन कर दोगे, टू भी इतने मैनशन कर दोगे, इतने दस दोगे कि मेरे मेजर्स कि इतने दस दोगे, दैन डेफिनेटली एग्जामिनर को पता होगा कि अगे बच्चे ने लिखना की है, ठीक है। सो ये की होगा तुहाडी जिहड़ी थीसिस स्टेटमेंट भी है, तुहाडी इंट्रोडक्शन बहुत वधिया इंप्रैशन क्रिएट कर दूगी एग्जामिनर अगे। वेखो टू सिंपल डिफरेंट सेंटेंस डिफरेंट लाइक फॉर्मल वर्ड्स विदाउट हाई वोकैबलरी यू विल डेफिनेटली गैट मोर दैन सैवन बैंड, तो बच्चों के आए भी आ, तो जिन्हें रिक्वायरमेंट ही सिर्फ छे तक है वह तो डेफिनेटली क्लीयर कर जाएंगे, बट गल है कि इस मैथड में तुम्हें फॉलो करना पैना जी। हुण आ जाओ उस तो बाद कि बच्चे कहते सर बीपी वन के ना लेंथ बहुत ज़्यादा इनक्रीज हो जाती, सूँ पता नहीं लगता कि इन स्टॉप किस तरह करिए, साड़ी लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, सूँ समझ नहीं आती कि कितने शुरू करना कितने खत्म करना। सो डिटेल दे विच वेखना ऐसे किवें लिखना है, दैन मेरी आह वाली वीडियो जो मैं स्क्रीन पर तुहानूं मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा वहाँ
ये जाके वीडियो वेखो चैनल से जाके तो तुहानूं पता लग जूगा कि बॉडी पैराग्राफ वन जिहड़ा उह किवें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उहदे विच तुहानूं इहदा सोल्यूशन भी मिल जूगा कि बॉडी पैराग्राफ वन नूं किवें जिहड़ी ब्रेक लाउणी आ, जिवें आपां एक पॉइंट लिखता उस तो बाद उहनूं इलैबोरेट करना है, फिर उहदा कॉन्सीक्वेंस दसना है, फिर उहदी एग्जाम्पल देनी है। सो हर एक चीज़ तुहानूं इस वीडियो दे विच मिल जूगी, स्क्रीन दे उत्ते मैं शेयर कर दित्ती आ। चैनल ते जाओ, सबसक्राइब जरूर करियो, बैल आइकन ते जरूर क्लिक करियो, ते कमेंट करके दस्सो तुहानूं वीडियो किस तरह की लगी। मैं अपने वालों पूरी कोशिश करदा कि तुहानूं ठेठ पंजाबी दे विच ही समझा दां, जेकर तुहानूं समझ लगदी है, तुहाडे बैंड आउंदे आ, बच्चे मेरे नाल शेयर भी करदे आ, रिजल्ट अपना मैं आज दिन तुहाडे नाल भी शेयर करदा आ। सो इस करके चैनल नूं सपोर्ट करो, तां जो चैनल नूं सपोर्ट करोगे मैनूं थोड़ी मोटिवेशन आउंदी है, मैं फिर होर ज़्यादा वधिया कंटेंट तुहाडे अगे लैके आऊंगा। सो अज दी वीडियो जे वधिया लगी चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करियो, मिलदे आ नैक्सट वीडियो च, सत श्री अकाल जी।